जेडीयू में शामिल होने का ऑफर आप लोगों ने क्या दिया है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हमने पहले भी कहा है और फिर उसको दोहरा रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, प्रशांत किशोर व्यापार करते हैं, उनका एक बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो ये भी जो उन्होंने कहा है वो मार्केटिंग का एक हिस्सा है। उनको कोई ऑफर नहीं मिला था, पहली बार प्रशांत किशोर जी ने स्वयं इच्छा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलिए, हमसे उन्होंने दिल्ली में 1.5 घंटे बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने उनको कहा कि दल के अनुशासन में रह के आपको काम करना पड़ेगा। मैंने उनको कहा कि दल का निर्णय राय किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन दल में जो निर्णय हो जाता है वो सभी को स्वीकार होना चाहिए। ये दो शर्त अगर आप मानिएगा तो पार्टी के अंदर आप काम कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे का समय दिया था, दिल्ली से पटना आने के पहले उन्होंने सब मीडिया वालों को फोन करके बता दिया कि हम पटना आ रहे हैं। 4 बजे का टाइम निर्धारित था, 4 बजे के पहले 2 बजे उन्होंने सबको फोन करके कह दिया कि देखिए हमको बुलाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी इंतजार करेंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं। मार्केटिंग का ही पार्ट है ना, मार्केटिंग का ही हिस्सा है ना। और अभी भी जो आए थे पवन वर्मा जी आए थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से, पवन वर्मा जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जी भी आपसे मिलना चाहते हैं, आप जो गठबंधन में शामिल हुए हैं उसके बाद नई राजनीतिक परिस्थिति में वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ले आइए, अब मुख्यमंत्री से कोई मिलना चाहेगा वो क्यों मना करेंगे। वो गए, अब बाहर निकल के वो कह रहे हैं उनको ऑफर का ला, उनको कोई ऑफर करेगा वो क्या है, वो बिहार में घूम रहे हैं, घूमे के रोका है, कोई मना किया है क्या उनको? तो बिहार में घूमने के पहले ये मार्केटिंग कौन सी कर रहा है? हम सब लोगों को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आजकल काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट जो हम लोगों की पार्टी में थे वो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं पहले, तो वो तो चले गए। अब नया लोगों को खोज रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जनाधार के बल पर अपनी पार्टी को विकसित नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी खड्यंत्र के बल पर अपनी पार्टी को विकसित करना चाहती है और जो अभी धंधा हो रहा है वो चाहे प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से, ये सब उसी खड्यंत्र का। जेडीयू में शामिल होने का ऑफर आप लोगों ने क्या दे दिया? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हमने पहले भी कहा है और फिर उसको दोहरा रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, प्रशांत किशोर व्यापार करते हैं, उनका एक बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो ये भी जो उन्होंने कहा है वो मार्केटिंग का एक हिस्सा है। उनको कोई ऑफर नहीं।